गाइस, दिस इज फातिमा जाफरी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आपने इस हालत में मुझे कभी देखा नहीं होगा, देख लें, मगर आप लोग के लिए काम कर करके ये हालत हो गई है। मेरी ग्लासेस लग गया है मुझे। सो गाइस, आजकल मेरी यही हालत चल रही है क्योंकि सुबह सुबह उठ के अगर कोई लड़की आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए आए, इसका मतलब ये कि वो आपके साथ मुखलिस है। अब हमारी तो यही हाल है, अब आपके ऊपर है, आप देखो या फिर देखो। सो गाइस, कैसी लग रही हूँ? बगैर मेकअप के, बगैर नो लिपस्टिक नो मेकअप, ऐसे ही फातिमा जाफरी उठ के आ गई आपके मुंह पर। डरना मत। गाइस, आज मैं लेके आई छोटू सा हिजाब ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत कहते हैं और फिर रमजान आ गए हैं तो बंदा क्या बनाए आप लोग के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, चुटकी बदल के कपड़े चेंज करके आती हूँ। सो गाइस, मैं तो आ गई हूँ कपड़े वपड़े चेंज करके, और मेरा मजाक नहीं बनाएगा, मैं अभी पता ही नहीं इनको तो मन से चलता है मेरे से आगे ले आई थी पंजाबी टी शर्ट है। गाइस, अब आप लोग को हम सिखाते हैं पहला स्टेप। यार मुझे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, दैट्स व्हाई मैं आप लोग को ऐसे दिखा सकती हूँ कि आपके हिजाब का जो एक ये साइड है, एक साइड, उसको आपने अंदर बांध देना गले में ताकि आपका गला शरीफ ना दिखे। तो ये करके यूँ पीछे बांध देना, फिर बनने के बाद ऐसा दी, ओके। फिर उसके बाद आप इसको डबल लेयर करके ऐसे करना, करके दिखा देते हैं इसको यूं करके, तो डबल लेयर करके यूं कर ले। तो अगर आप जल्दी पहन सकते हो जल्दी पहन लेने के, मैं फिर से जाकर डबल कवर करने के लिए यूं कर लेती हूँ। यहाँ से जो नहीं पहनने तो बेस्ट है। गाइस, बढ़ते हैं सेकंड हिजाब स्टाइल की तरफ। आप लोगों के पास ये ज़रूर होना चाहिए अगर आप हिजाब बांधने वाले हैं, क्योंकि इसमें लगा के रखा करें प्रिंस को, नहीं तो बहन भाई जो जितने भी होते हैं ना, ये लोग बड़ा मारते हैं जब प्रिंस चुपती है ना, उन लोगों को कहते हैं हिजाब तुम कर रही हो, सजा हमें क्यों दे रही हो। मतलब खैर, हिजाब बांधते अच्छा पिन ये वाली भी रखा करें, सेफ्टी पिन वगैरह में हिजाब फंसता है, हिजाब खराब होता है, तो ये वाली जो होती है पिन सेफ्टी पिन टाइप होती है, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त होती है, बनने में आसानी रहती है, समझे। फिर उसके बाद इस वाले छोटी वाली जगह है इसको पीछे कैप में टक कर लेना, कर लिया टक, ओके। फिर उसके बाद जो आपकी ये वाली साइड है इसको आप यूं करके यूं भी कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जैसे आप लोग ऐसे वाला हिजाब बांधते हैं, सिंपल हिजाब है मगर स्टाइल है, मगर बिल्कुल फिक्स बन लेगा, नहीं तो लोगों का हिलता रहता है ये वाला स्टाइल होता है। ज़्यादातर मैं यही बांधती हूँ क्योंकि हवा वाली जो पानी चाहती हूँ हिलता नहीं, तो मैं तो नॉर्मल ही दुपट्टे की तरह बांध लेती हूँ। इसको ये करके एक पिन लगा लेनी है और पन्नी लेने की नाकाम कोशिश, तो ये भी आपका अच्छा बन सकता है। फिर इसके बाद आते हैं थर्ड पे, इसके लिए मुझे थोड़ा जाप चेंज करना पड़ेगा, तो वाला अलग बांधती हूँ, काली कितनी लग रही है। वन टू थ्री, हम आ गए चेंज करके। मुझे तो ये वाला जाप वैसे ही अच्छा लगता है, बेहतर मैं ऐसे ही बांधती हूँ ना। तो मैं कुछ बातें बता रही हूँ जो कि आप नोट कर लें,
कि जिसका बड़ा मुंह है मेरी तरह तो सब यहाँ से ना मतलब फैला हुआ मुंह है ना, तो वो हमेशा हिजाब जो बांधने वाली हैं और उनका मुंह मेरी तरह है अगर, तो वो हमेशा कोशिश करें कि ज़्यादा लेयर्स वाला हिजाब ना हो और सिंपल नॉर्मल तो मैं पहनती हूँ मसवारा पहनती हूँ, तो इससे आपका फेस पतला रहता है। और हिजाब के लिए स्टफ़ की कोशिश करें कि ये वाला स्टफ़ हो, इसके पे पतला कपड़ा होता है, इसकी वजह से आपका हिजाब मुँह और पतला लगता है। अच्छा सेकेंड ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर फैंसी वगैरह बांधना है और शादी वगैरह में जाना है तो कोशिश करें तो जो ये जगह है ना उसको थोड़ा सा ज़्यादा रखें। जब मैंने अपने भांजी की शादी में भी बांधा था, आपको दिखाती हूँ, पिन को लगाएं, बहुत आसान है और इस कपड़े पे बहुत प्यारा बनता है। जो ये वाली साइड है वो यूँ पकड़े, पहले मैं इसको कवर कर लूँ, गले को कवर करूँ, तो यूँ पकड़ के यूँ करें। अच्छा जो ये साइड है ना इसको यूँ करके एक पिन लगाएं, प्रॉपर चुन से इसको अंदर करके एक पिन यहाँ लगा लें। देखें ज़्यादा आपका मुंह हैवी भी नहीं लग रहा और साइड में आपकी लेयर्स भी आ गई। सो गाइस इसी के साथ अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेरा ट्यूटोरियल तो लाइक करें, फॉलो करें और हिट द बेल आइकन और प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब, बहुत व्यूज कमा रहे हैं।